कौन नहीं है अभी मूवीज नहीं है। चलो आएगा मूवी देख। हाँ देखो इसका ये फॉर्मूला याद देखिए, एक्स रेस टू एन मतलब एक्स की पावर का कुछ रहेगा, एक्स की पावर एक से ज्यादा अगर रहेंगी तो उसका डेरिवेटिव कैसा निकालना, एक से ज्यादा नहीं एक्स की पावर कितनी भी रहेंगी तो उसका डेरिवेटिव कैसा निकालने का। तो क्या है देखो, एन मतलब टू, तो टू क्या होगा नीचे आएगा और उसकी पावर एक से कम होगी। डेरिवेटिव मतलब क्या, सिंपल क्या देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू एक्स, ऐसा आ गया टू एक्स। बोलो जो टू ऊपर है ना, टू ऊपर या टू जो ऊपर था, ये जो टू ऊपर था या है ना, ये टू ऊपर था या टू, वो टू क्या आ गया मल्टीप्लाई हो गया और वो एक से कम हो गया, तो टू और ये टू माइनस वन बराबर क्या, टू माइनस वन, तो टू एक्स रेस टू टू माइनस वन, एक्स रेस टू टू माइनस वन मतलब वन, एक्स रेस टू वन लिखे नहीं भी लिखे तो चलता, एक्स रेस टू नहीं भी लिखे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, कितना सिंपल है देखो, वो कितना उधर कितना डिफिकल्ट दिख रहा था, सिंपल है ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, टू एक्स। चलो फटाफट लिखे दो फॉर्मूले लिखे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था लिखे, सिंपल है बोल दो। वो पहले बार देखने में थोड़ा क्या होता है ऐसा एकदम, और ये प्रॉब्लम क्या काय में आती, नीट के और जेई के क्वेश्चन पेपर में आती, पहले बार ऐसा डिफिकल्ट सामने दिखा ना, पढ़ने में डिफिकल्ट तो आदमी को लगता बहुत डिफिकल्ट, वही तो आदत अपने को लगानी की आपको डिफिकल्ट चीजें पढ़ने की, क्योंकि उसके अंदर रहता क्या, पोगल पोगल रहता अंदर, फुसफुस रहता सब एकदम सिंपल रहता। लिखे दोनों दोनों फॉर्मूले और दूसरे फॉर्मूले का एग्जाम्पल, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता, टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता, टू एक्स। चलो वाई इज इक्वल टू और वापस वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू थ्री का डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू थ्री का डेरिवेटिव क्या आएगा, जवाब मेरे को मांगता ना चैट में, चैट करना पड़ेगा तब समझ में आएगा, मेरे को नहीं समझ में आएगा। वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू थ्री, थ्री नीचे आएगा और ऊपर का कम होगा, ऐसे कुछ तो भी है ना, तो कितना आएगा बोलो, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, एक्स क्यूब अगर ऐसा है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, और सलाम ने लिखा और बाकी बोलो बाकी लोगों का, वो सिर्फ आंसर लिखे तो भी चलेगा, डिवाइड बाई डी एक्स टाइप करने में टाइप तकलीफ होगी ना, तो सिर्फ आंसर लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। सिमरन ने उसका आंसर लिखा टू एक्स स्क्वायर, सिमरन ने लिखी थ्री एक्स स्क्वायर, हर्षला ने भी लिखा थ्री एक्स स्क्वायर। चलो बाकी लोग बोलो, सबने सुबिन तो जवाब देने में नहीं, मतलब पता नहीं उसका क्या प्रॉब्लम है, एक भी जवाब नहीं देती हुई, यस नो पूछे तो भी नहीं दे रही हो, क्या प्रॉब्लम है मेरे को समझ नहीं आ रहा उसका, बंटा धार कर दी अभी। साइमा 2 दिन आ रही 4 दिन गायब, क्या हो रहा। शाफीन, शाफीन जवाब देना पड़ेगा, शाफीन जवाब दो, जवाब आंसर लिखो। आलिया ने लिखा 3x स्क्वायर, महक महक है कि चलेगी नाश्ता करने को, रिहान आंसर बोलो, सबको आंसर देना चाहिए ना, पूछे तो सबको आंसर देना चाहिए, एक दो लोगों ने देखे फायदा है क्या। अरुबा का आंसर नहीं, अरुबा भी चलेगी गई थी, अरुबा नाश्ता बाद में करो पहले क्लास कर लो,
थ्री एक्स स्क्वायर देखो रेहान ने लिखा टू एक्स स्क्वायर बराबर है ना, तो क्या आएगा ये जो है ये जो टर्म है ये वाली ये नीचे आएगी, ये बाजू में आएगी, ये बाजू में आएगी और ये बाजू में आएगी, ये बाजू में मतलब कितना हो गया है ये नीचे आएगी, तो टू ए के थ्री है, वो टू ए के थ्री है तीन, क्या होगा ऊपर वाला नीचे आएगा, ऊपर वाला क्या आया है तीन है, तीन नीचे आ गया है ना, ऊपर वाला नीचे आएगा ना भाई, तीन नीचे आ गया बराबर, और ये ऊपर वाला एक से क्या होगा कम हो जाएगा, तो जो है वो नीचे ले लेगा पहले सीधा सीधा, जो है वो वही किया ना उन्होंने, जो है वो नीचे ले लिए, जो है उसको नीचे ले लेगा, जो है वो नीचे ले लेगा सबसे पहले उत्ता कर लें, जो है उसको नीचे ले लेगा और फिर ये एक से कम कर लेगा, जो है उसको नीचे ले लेगा फिर बाद में। चलो अगला एक्स रेस टू फाइव, अगला एक्स रेस टू फाइव, एक्स रेस टू फाइव फटाफट बोलो अभी, एक्स रेस टू फाइव ओरली सॉल्व करते हैं मतलब यार, एक्स रेस टू फाइव एक्स रेस टू फाइव। चलो आंसर का जवाब आया एक्स रेस टू फाइव, अरुबा का जवाब आया, सुबीन का आया, एक्स रेस टू फाइव, सुबीन भी अरुबा का भी ध्यान नहीं है, सुबीन का भी ध्यान नहीं, बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दोनों का, बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्या कर रहे तुम दोनों, या तो तुम हवा में चले गए 90% के, या तुम पता नहीं क्या है। हाँ अलिया का सही जवाब है, सिमरन का सही जवाब है, अरसलान का सही जवाब है, अरुवा सुबीन क्या है देखो, मैं बोल रहा ना तो मैं तुमको बार बार सुबीन को तो मैं रोज बोल रहा हूँ, शायद तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं, या तो फिर छोड़ दो है ना, घर वालों को परेशान मत करो और मुझे भी परेशान मत करो। रियान का जवाब सही है, अरुवा क्या आएगा बोलो वापस, दो चीजें ऊपर वाला नीचे लेने का और ऊपर वाले का इंडेक्स एक से कम करने का, तो एक्स रेस टू फाइव है, एक्स रेस टू फाइव। माइक बहुत लेट आंसर आ रहा, माइक बहुत फास्ट मांगता है 1 सेकंड में सॉल्व करने के, एक्स रेस टू फाइव, तो ये फाइव नीचे आएगा, फाइव नीचे आएगा, ये एक बात हुई, दो बात करने की रही थी, फाइव नीचे आ गया और ये एक से कम करने का, एक से कम करने का, एक से। अरुबा सुबीन, सुबीन फाइव एक्स रेस टू फोर अभी लिख कर भेजिए। चलो एक्स रेस टू नाइन, एक्स रेस टू नाइन क्या आएगा करो, लिखो लिखो लिख कर बोलो मेरे को, एक्स रेस टू नाइन, एक्स रेस टू नाइन का क्या आएगा, एक्स रेस टू नाइन। चलो अरसलान का फटाक से आंसर आया, महक का आया, सुबीन का आया, सिमरन का आया, आलिया का आया, शाफिन, शाफिन बेटा थोड़ा सा तुम बहुत अनसिंसियर हो, बहुत ट्राई कर लो क्या करने का, नहीं तो फिर मुझे अबू से बात करने का, क्लासेस सबसे ज्यादा एबसेंटी तुम्हारी है अपनी क्लासेस की, अभी जवाब भी नहीं दे रहे, मुइज गायब हो गया, रियान ने आंसर दिया, आलिया का आया, सिमरन का आया, अरुवा का आया, सुबीन का आया, अरसलान का आया, महक का आ गया, बाकी शाफिन को आंसर नहीं देने का, मतलब शाफिन नहीं देगा आंसर, शाफिन, सायमा,
शाफीन साइमा जवाब दो। क्या करने का? ऊपर जो है उसको नीचे लेने का, बाजू में लेने का, ऊपर वाले को दो हिस्से करने के। पहले ऊपर वाले को तुरंत नीचे लिख लेने का और ऊपर वाले को एक से कम करने का। तो क्या आएगा? 9 एक्स रेस टू 9 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 9 एक्स रेस टू 8, एक से कम कर दिए, 9 एक्स रेस टू 8, 9 एक्स रेस टू 8। और एक बात दिमाग में फिर बोल रहा मैं, एक बात दिमाग में फिर बोल, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं, ये हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो जेई में और नीट में दोनों में लगता है, और फिजिक्स के ऊपर एक मेरिट लगता है एमबीबीएस का। बायोलॉजी में अब मेरी बात का यकीन मानो, बगैर टीचर के भी बायोलॉजी में, बगैर टीचर के भी बायोलॉजी में मार्क्स मिल जाते 200 के करीब करीब, बगैर टीचर के भी मार्क मिल जाते। जो 350 के ऊपर जाने के वास्ते जो मार्क लगते वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लगते 200 मार्क, वो 400 450 का स्कोर। फिजिक्स के 45 इक्वेशन है पर सारे न्यूमेरिकल रहते, फिजिक्स के 30 न्यूमेरिकल रहते, केमिस्ट्री के 25 न्यूमेरिकल रहते नीट में। ठीक है, अगला अगला सवाल, अगला एक्स रेस टू 11। अभी शाफिन सबसे पहले जवाब देंगे, शाफिन और साइमा, बाकी लोगों को तो आगे आगे और फटाफट दे रहे, बाकी लोग जाओ। एक्स रेस टू 11, एक्स रेस टू 11, एक्स रेस टू 11 का डेरिवेटिव क्या है? चलो महक का आ गया, देखो अरसलान का आया, आलिया का आया, सिमरन का आया, सुबीन का आया, है ना, महक का आ गया। आंसर अरुबा नहीं दे रही आंसर ना, अरुबा चली गई शायद, अरुबा नाश्ता करने चली गई। सही है, क्या आएगा? 11 एक्स रेस टू 10, 11 एक्स रेस टू 10। शाफीन साइमा है क्या? शाफीन साइमा क्लास में है क्या? साइमा कैन यू रेज योर हैंड, साइमा कैन यू रेज योर हैंड और आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। सेमा हैंड रेस करते आएगा क्या? शाफीन जवाब दो, ये प्रॉब्लम का जवाब दो, क्या आएगा? सैमा हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड, चलो हो गया। हाँ एक्स रेस टू, आगे एक्स रेस टू 19 छोड़ दो, साइमा को इसको नहीं पढ़ने का चाहता अपन को क्लास, शाफिन को और साइमा को नहीं पढ़ने का ऐसा लग रहा मेरे को। चलो एक्स रेस टू
एक्स रेस टू 19 करो, एक्स रेस टू 19, 19, 19। चलो अरसलन का माइक का जवाब आ गया, सुबीन का आया, अरुबा का आया 19 एक्स रेस टू 18। वेरी गुड, समझ में आ गया। रिहान का भी आ गया, आलिया का आ गया, सिमरन का आ गया 19 एक्स रेस टू 18, 19 एक्स रेस टू 18। ओके वेरी गुड। अभी अब थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग, प्लस आपने कर लिया, प्लस कर लिया, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा क्या, ये घर पे 50 के प्रॉब्लम की कम से कम प्रैक्टिस कर ली। एक्स रेस टू -6, एक्स रेस टू -6 क्या आएगा, डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स रेस टू -6 सलन का आया, महक का आया, अरुबा का आया, यान सबका आ गया, सुबीन का आया, नहीं मैं बोला ना सुबीन का और अरुबा का ध्यान ही नहीं है, गए काम से दोनों, दोनों खान के पीछे लगाना पड़ेगा उनके पुणे जाके, है ना, जो है वो नीचे लिखने का और ऊपर वाला एक से कम करने का, एक से कम करने का, माइनस करने का है, -6 -1 क्या आएगा आंसर, -6 एक्स रेस टू -7। -6 एक्स रेस टू -7, -6 एक्स रेस टू माइनस, लिख के रखो, लिख रहे ना तुम भाई, जो ये जो हो रहा है ये इसका लिखने का भी है, ऊपर वाला वैसे के वैसे नीचे लेने का और ये एक से माइनस करने का, अभी एक से माइनस माइनस तो बढ़ जाएगा, अभी तो कम हो रहा था, अभी बढ़ेगा, तो -6 -1 -7 हो जाएगा, 6 -1 5 होगा, और -6 -1 ठीक है, x रेस टू -13, x रेस टू -13 आप कैसे आगे बराबर लाइन तैयार हुआ, कैसा आधे सेकंड में जवाब दी, दो चार गाले दिए ना तो सुबीन और आरुबा सुधरते, कल ही बोला मैंने बराबर ना, आपने मीटिंग हुई ना कल संगमनेर की मीटिंग हुई ना, तो मैंने बोला कुछ कुछ ऐसे बच्चे रहते और कुछ कुछ ऐसे न्यूरॉन्स रहते दिमाग के न्यूरॉन्स के, उनको गाली दे बगैर वो एक्टिविटीज नहीं होते, सुधरते नहीं होते, तो सबका आ गया -13 एक्स रेस टू -14, -13 एक्स रेस टू -14, तो ऐसे 25 प्रॉब्लम सॉल्व करने के माइनस के लेके, एक ही लाइन में लिख दिए तो भी चलेगा, 25 प्रॉब्लम सॉल्व करने के माइनस के। ओके दो टाइप हो गए, पहला प्लस का टाइप हो गया, प्लस के एक पांच सात सॉल्व करो, प्लस का कोई प्रॉब्लम नहीं, दो हो गए ना, दो टाइप हो गए, एक प्लस का हुआ एक माइनस का हुआ, तीसरा, तीसरा टाइप, तीसरा टाइप, तीसरा टाइप, तीसरा टाइप, ये सिर्फ इस पे लिखते वक्त है ना, ये ऐसा लिखते, ये लिखते वक्त है ना, ये ऐसा लिखते, एक्स रेस टू 2/3, डेरिवेटिव का 2/3 जब लिखते ना तो ऐसा लिखते, वो भी थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा टाइपिंग का है तो एक्चुअली लिख मैं लिखता इधर ऐसा लिखते, एक्स रेस टू 2/3 ऐसा लिखो, एक्स रेस टू 2/3, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया ना, थोड़ा सा एक्स रेस टू 2/3 लिख के ऐसा पर, एक्स रेस टू 2/3, और एक ट्राई देखता हूँ कुछ और है क्या ऑप्शन है क्या, कुछ लिखो पर, एक्स रेस टू 2/3 और उसका डेरिवेटिव निकालने का है, एक्स रेस टू 2/3 और उसका डेरिवेटिव निकालने का है,
निकालो एक्स रेस टू टू बाई थ्री, नहीं है। अच्छा ये है। और कुछ अच्छा लिख के आएगा कि देख रहा मैं, मिलेगा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। अब आए ये सही, एक्स रेस टू टू बाई थ्री मिल गया। ठीक है, जवाब दिए दो लोगों ने। सिमरन का जवाब आया, हर्षवान का जवाब आया। तीसरा टाइप है ये अपना तीसरा टाइप है। पहला टाइप प्लस का लिखे, दूसरा टाइप माइनस का लिखे, तीसरा टाइप फ्रैक्शन, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्स प्लस टू फ्रैक्शन। सिमरन, अरसलान, रेहान का जवाब आया। सही गलत नहीं बोल रहा मैं किसका है, बाकी लोग माइक का आया, माइक का आंसर आया, सुबीन का आया। रुपा गाली खाएंगे आज पक्का। शाफीन जवाब दो। सिमरन क्या आंसर आएगा? टू बाई थ्री बराबर, एक्स रेस टू टू बाई थ्री एक्स रेस टू टू बाई थ्री एक्स रेस टू टू बाई थ्री बाई थ्री एक्स रेस टू टू बाई थ्री माइनस, सॉरी गलत, माइनस वन बराबर ना। टू बाई थ्री स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्या करें अपने उसको एक से कम करने का, ऊपर वाला नीचे लाए और ऊपर वाला एक से कम करने का। अब ये टू बाई थ्री, टू बाई थ्री माइनस वन, तो ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना। तो इसके नीचे वन, इसके नीचे वन, तो क्या आएगा, एक्स रेस टू
एक्स रेस टू 2/3, एक्स रेस टू 2/3 ऐसा ना। हाँ तो उसका ये पहले क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री अपॉन थ्री, टू माइनस थ्री अपॉन थ्री, टू माइनस थ्री अपॉन थ्री बराबर ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ना अपन माइनस प्लस के वास्ते, फ्रैक्शन का माइनस प्लस निकालने करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एनसीएम निकालते। तो टू माइनस थ्री अपॉन थ्री, तो एक्स रेस टू, टू माइनस थ्री मतलब माइनस वन, माइनस वन अपॉन थ्री। तो पूरा जवाब क्या आ गया डीवाई बाई डी एक्स का, टू बाई थ्री, टू बाई थ्री एक्स रेस टू माइनस वन बाई थ्री। डीवाई बाई एक्स रेस टू 2/3 का डीवाई बाई डी एक्स कितना आया, 2/3 एक्स रेस टू माइनस वन बाई थ्री, 2/3 एक्स रेस टू माइनस वन बाई थ्री। टू बाई थ्री एक्स रेस टू माइनस वन बाई थ्री, टू बाई थ्री एक्स रेस टू माइनस वन बाई थ्री। जवाब तो चलो मालूम है क्या है, कैसा किया समझ में आया क्या? टू बाई थ्री के, टू बाई थ्री माइनस वन, टू बाई थ्री माइनस वन है, हम कौन सी क्लास में सीखे, छठी या सातवीं क्लास में, वो नहीं आ रहा। तो कल से जो मैं चिल्ला रहा ना, कल परसों से, कौन सा मैथमेटिक्स नहीं आ रहा अपने को, छठी सातवीं का मैथमेटिक्स नहीं आ रहा। नाइन्टी वन परसेंट, 92%, 95%, और कौन सा मैथमेटिक्स नहीं आ रहा, सारे 80 के ऊपर है। कौन सा मैथमेटिक्स नहीं आ रहा छठी सातवीं का। चलो आ गया, लिखो ये पहले लिख ले तुम, वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 2/3 का क्या आया, 2/3 एक्स रेस टू माइनस वन बाई थ्री। चलो एक्स रेस टू अगला लो, एक्स रेस टू 5/2, एक्स रेस टू 5/2, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का, ये वाला एकदम जल्दबाजी नहीं करनी, ये ओरली सॉल्व करने का कोशिश नहीं करनी। एक्स रेस टू 5/2, 5/2 एक्स रेस टू 5/2, एक्स रेस टू 5/2। चलो आगे जाओ, महक महक आंसर गलत हो रहा, महक पिछला भी गलत दिया आंसर, अभी भी गलत दे रहे, क्या आएगा 5/2 वैसे के वैसे आएगा, 5/2 पहले ये आएगा, 5/2 एक्स रेस टू 5/2 माइनस वन बराबर क्या, हाँ तो क्या आएगा आंसर, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे तो क्या आएगा, 5/2 माइनस वन, तो वन इधर इधर अपॉन वन, तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 अपॉन टू, मांगता तो लिख के लेने का साइड में, 5 माइनस 2 अपॉन टू बराबर ना, 5 माइनस 2 अपॉन टू मतलब 3/2। हाँ जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक लिखे तो भी चलेगा, पर ये ओरली सॉल्व करते आने में, तो क्या आंसर आ रहा है इसका, 3/2 राइट। तो क्या आंसर आ गया, 5/2 एक्स रेस टू 3/2। रियान गलत हो गया, 5/2 एक्स रेस टू 3/2, महक गलत हो गया था आंसर, मैं सिर्फ 5/2 लिखे, एक्स का लिखने का कौन लिखेगा एक्स, और वह चार चार पांच पांच आंसर देंगे तो कैसा चलेगा, एक ही चीज के पांच पांच आंसर लिखेंगे तो कैसा चलेगा। सही है, 5/2 एक्स रेस टू 3/2, 5/2 एक्स रेस टू 3/2। रिहान 5/2 एक्स रेस टू 3/2 आ रहा, तुम्हारा 3/5 लिखे रिहान, 5/2 एक्स रेस टू। अब ऐसे कितने सॉल्व करने के, ऐसे कितने करने के, जब तक प्रैक्टिस नहीं होती ओरली,
बीस पच्चीस पचास सौ जब तक ओरली प्रैक्टिस ओरली करते आना, मतलब मैं बोलता अभी समझो, फॉर एग्जांपल मैं सॉल्व करता कोई भी, देखो इलेवन बाय थ्री है ना, इलेवन बाय थ्री ओरली बोल रहा मैं, इलेवन बाई थ्री एक्स रेस टू, इलेवन बाई थ्री माइनस वन तो ग्यारह, इलेवन बाई थ्री माइनस वन तो इलेवन माइनस थ्री एट बाई थ्री, क्या आएगा आंसर, इलेवन बाई थ्री एक्स रेस टू एट बाई थ्री, ओरली सॉल्व किया मैंने, मैंने मेरे लिए नहीं किया आपके लिए किया, स्टेप बाय स्टेप लिखकर सॉल्व करने से लेकर तो ओरली सॉल्व करते तक इतनी आज प्रैक्टिस करनी। महक फिर एक्स बाई थ्री गलत हो गया, फाइव बाई टू एक्स रेस टू थ्री बाई टू ऐसा लिखने का है, सिर्फ एक्स बाई थ्री नहीं है आंसर, सिर्फ फाइव बाई टू आंसर नहीं है, पूरा है फाइव बाई टू एक्स रेस टू थ्री बाई टू ऐसा आंसर है, एक्स रेस टू इलेवन बाई थ्री का आंसर क्या आएगा, इलेवन बाई थ्री एक्स रेस टू एट बाई थ्री है ना, ये मैंने और लिख लिया, मतलब अपने को क्या करने के, इसके पच्चीस पचास सौ प्रॉब्लम सॉल्व करने के, ऐसे शुरू करने का लिखने का वन पूरा करने का, और बाद में फिर जो माइनस है ये जो फाइव बाई टू माइनस वन इलेवन बाई थ्री माइनस वन ये जो माइनस है ये ओरली करते आने मतलब ओरली सॉल्व करते आने मतलब प्रैक्टिस इतनी करने की कि ये प्रॉब्लम ओरली सॉल्व करते आने मतलब। रेहान और ये आज सुबीन मै सुबीन अरुबा रेहान और शाफिन, रेहान नहीं शाफिन, तीन नाम बोल रहा हूँ मैं, चार चार नाम देखो, सुबीन अरुबा शाफिन और अपनी वो साइमा, ये चारों ने आज बहुत सताया, पता नहीं आज क्या कितने प्रॉब्लम सॉल्व करने के, मैं नंबर नहीं बोलता, 25 तो कम से कम, वो वाले जो थे अलग, कौन से एक्स रेस टू फाइव एक्स रेस टू माइनस टेन वो अलग, उसके तो तुम क्या 20-25 दोनों मिलके कर दिए तो हो जाएगा, पर ये वाले 10-20-15-20-25-50 इतने प्रॉब्लम सॉल्व करने के कि स्टार्ट में प्रैक्टिस होने के बाद मुझे इस तरह के प्रॉब्लम्स ओरली सॉल्व करते आने मन था, और माइनस वाले भी, माइनस वाले अपन कल देखेंगे, माइनस वाले अपन कल देखेंगे। देखो डेरिवेटिव का एक ही फॉर्मूला है, अपन लटक गए, कितने फॉर्मूले याद करने के अपने को, 80 फॉर्मूले है डेरिवेटिव, 80 फॉर्मूले 80 फॉर्मूले है, जैसा कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता वो तो 2 मिनट में हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये कैलकुलेशन इसमें चाहिए, बाकी फॉर्मूले में कैलकुलेशन नहीं, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले, पर 80 फॉर्मूले डेरिवेटिव 12th में, 11th में नहीं, 11th में 9 देखिए तुमने कितने प्रॉब्लम सॉल्व करने के, कितने प्रॉब्लम सॉल्व करने के, 25-50 प्रॉब्लम खुद ही लेने का, खुद लेने कुछ भी लेने का, ऐसा जो डिवाइड नहीं होगा ऐसा लेने का, पर 4/2 नहीं लेने का, हाँ एक्स रेस टू 3/7 एक्स रेस टू 5/2 एक्स रेस टू 2/5 एक्स रेस टू 3/4 एक्स रेस टू 9/7 एक्स रेस टू 11/17 एक्स रेस टू 23/ बड़े बड़े भी लेने के 23/13 एक्स रेस टू 55/9 एक्स रेस टू 44/7 एक्स रेस टू 33/6 डिवाइड नहीं होगा ऐसा लेने का है ना, और सॉल्व करने के एक बार हो गया इसकी प्रैक्टिस, फिर बाद में अपन कल माइनस का देखेंगे, माइनस का भी अगर तुम कर सकते तो करो, मैं क्या बोला समझ में आ रहा, हैंड रेस करके बोलो, मैं क्या बोला समझ में आ रहा, यस प्रैक्टिस करने की आज है ना, प्रैक्टिस करने की, कौन चले गए बाहर दो लोग, मुईज और वो बंगाली, ठीक है होमवर्क करेंगे आज, करो होमवर्क, ठीक है करो गुड, कल देखेंगे आपको इसका एक अगला पार्ट, चलो नमस्कार।